हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं राधिका। तो आज मैं आपके साथ अपने मंदिर की क्लीनिंग और इसकी डेकोरेशन शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अब जैसे नवरात्रे आने वाले हैं तो मैंने सोचा जल्दी से ही अपने मंदिर की साफ़ सफाई कर ली जाए और उसकी डेकोरेशन भी कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले जो मैंने एक सूखा कपड़ा लिया है उससे मैं सारी जो डस्ट है मंदिर की हटा दूंगी, क्योंकि वाइट मंदिर है तो इसमें थोड़ा बहुत भी जो डस्ट होती है बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। अगर हम गीले कपड़े से एकदम से साफ करेंगे तो जो सारी डस्ट होगी वो मंदिर पे ही रह जाएगी। तो इसलिए पहले आप अच्छे से इसको क्लीन कर लें सूखे कपड़े से। अब इसके बाद मैंने एक टावल वाला हैंकी लिया है और एक बाउल में थोड़ा सा इजी ले लिया है और कपड़े को उसके अंदर अच्छे से भिगो के और इसका सारा जो पानी है आप निकाल दीजिए। ये देखिए कपड़ा ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। अगर हम इस तरीके से मंदिर को क्लीन करते हैं तो मंदिर वाइट मंदिर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो जाता है। ये देख सकते हैं इसकी जो चमक है और भी ज़्यादा इसके अंदर शाइनिंग आने लगती है। अगर आप बहुत ज़्यादा गीले कपड़े से इसको साफ करेंगे तो मंदिर थोड़ा ख़राब होने का डर रहता है, तो इसलिए अच्छे से मंदिर को बिल्कुल साफ कर लीजिए। ये देखिए, और उसके बाद हम बाकी साफ पानी से भी दोबारा से साफ करेंगे। और यहाँ पे मेरे मंदिर में जो इस तरीके के जो डिज़ाइन है इसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो यहाँ पे मैं कपड़े को गीला ही करके और ऐसे बाहर निकाल निकाल के अच्छे से क्लीन करती हूँ। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और समय भी बहुत ज़्यादा लगता है, बट जो मंदिर है उसके बाद बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो मैंने अपने मंदिर को अच्छे से क्लीन कर लिया था और इसके बाद मैंने एक ये फैब्रिक लिया है और मंदिर का मेजरमेंट करके मैंने इसको कट कर लिया ताकि मैं अपने मंदिर में इसको बिछा पाऊँ और उसके ऊपर मैं अपने भगवान जी को स्थापित करूँगी। तो अब मैंने अपने फैब्रिक को कट कर लिया था और उसके बाद मैंने अपने मंदिर में लगा लिया है। आपको इस तरीके के फैब्रिक आपकी लोकल मार्केट में कहीं पर भी मिल जाएंगे और ये छोटे छोटे भी मैंने कट कर लिए थे क्योंकि ऊपर मेरे मंदिर में स्पेस दिया गया है तो वहाँ पर भी मैं अपने भगवान जी रखूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ये लगा लिए हैं और ये प्लास्टिक की शीट है जिनको मैं इस ड्रॉर्स के अंदर लगाऊँगी। ड्रॉर्स को मैंने क्लीन कर लिया था। ड्रॉर्स के अंदर आप हमेशा प्लास्टिक की ही शीट लगाइए क्योंकि इसके अंदर हम अपने सामान रखते हैं तो ये काफ़ी जल्दी गंदी हो जाती है, तो ये इजीली वॉश हो जाती है, तो इसलिए आप हमेशा प्लास्टिक की शीट ही लगाया करें। ये देखिए इस तरीके से मैंने इनको कट करके लगा लिया है और अब हम डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये मैं वैसे दिवाली के लिए लेकर आई थी और ये मेरे मंदिर में थोड़ा सा बड़ा भी आ रहा था, बट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा इसको लगाते हैं। तो पहले तो मैं ये डबल साइडेड टेप लेकर आई, इसको भी मैंने मीशो से ही लिया था तो मैंने सोचा इसके ऊपर भी ये लग जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ था। इसके ऊपर लग रहा था बट गिर रहा था। ये देखिए मैंने लगाया तो फिर उसके बाद मैंने जो लोहे की जो वायर आती है एक पतली पतली सी, फिर उससे मैंने इसको लगाया तब ये जाके लगा। ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ कैसी वायर होती है। ये देखिए इस तरीके की आपको वायर मिल जाएगी कहीं पे भी हार्डवेयर की शॉप पे। और ये आपकी हैंगिंग लोटस वाली आपको हैंगिंग मिल जाती है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये आजकल आप ऑफलाइन भी मिलने लगी है, वैसे मैंने इसको मीशो से मंगाया था। तो जो कोने में मैंने ये हैंगिंग लगाई थी उसको मैंने सुई धागे से स्टिच कर दिया था तो काफ़ी अच्छे से ये स्टिच हो गई थी। और जो बाकी साइडों में मैंने हैंगिंग लगाई थी उसको मैंने मंदिर में ही ऐसे ही लगा दिया था क्योंकि जो मंदिर में डिज़ाइन बने हुए हैं तो उसमें इजली ये लग गई थी और लगने के बाद मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके की हैंगिंग आप भी लगा सकते हैं, आप चाहे ऑनलाइन मंगा लीजिए या ऑफलाइन ले लीजिए। अब इसके बाद मैंने सारी ही मूर्तियाँ जो थी उनको साइड में निकाल लिया था और एक बर्तन में थोड़ा सा पानी लेके और उसके अंदर थोड़ा सा इजी डाल के मैं सभी ही अपनी मूर्तियों को क्लीन करूँगी। ये देखिए, तो यहाँ पे भी मैंने अपनी मूर्तियों को कपड़े से ही साफ किया है और इसके बाद मैं एक साफ पानी से भी दोबारा से इनको क्लीन करके और फिर सूखे कपड़े से इनको साफ करने के बाद थोड़ी देर धूप में रख दूंगी ताकि ये अच्छे से बिल्कुल सूख जाए।
थे, देखिए इन बॉक्सेस में मैंने सभी ही भगवान जी के जो कपड़े होते हैं, उसका श्रृंगार होता है, माला वगैरह जो होती है, मैंने इन सभी को ही ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, ताकि जब भी हमें फेस्टिवल के टाइम जरूरत होती है कि हम भगवान जी के कपड़े चेंज कर दे या उनका श्रृंगार कर दे, तो हमें बहुत ही ज्यादा इजिली हो जाता है इस तरीके से। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से इन सभी ही सामान को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ। तो ये देखिए, आप किसी भी इस तरीके के प्लास्टिक के बॉक्स ले सकते हैं जिसके अंदर आप एक साथ ही सारा सामान रख सके। तो ये देखिए, ये माता रानी के सारे ही लहंगे हैं जिनको मैंने एक ही बॉक्स के अंदर रखा हुआ है। ये देखिए कितना ही प्यारा इसका डिजाइन लग रहा है, और इनको मैं बदल बदल के पहनाती रहती हूँ। और ये आपको इसका दुपट्टा मिल जाएगा, सभी ही लहंगों का आपको इसी तरीके का दुपट्टा मिल जाएगा। और एक ही वाला इस तरीके का ये आपको एक साथ ही मिलता है। ये देखिए, इसका कलर भी बड़ा ही प्यारा लग रहा है और डिजाइन भी बड़ा अच्छा लग रहा है। और आप सिंपल तरीके से इसको जो डोरियां दी गई है इनसे आप बांध सकते हैं। और ये देखिए, ये इसका दुपट्टा दिया गया है, दोनों ही तरफ आपको इसका दुपट्टे पे डिजाइन मिल जाएगा। तो आज मैं इनमें से कोई सा एक पहनाने वाली हूँ। ये देखिए, ये वाला कितना ही ज्यादा सुंदर दिया गया है लहंगा, ये मैं आपको क्लोजअप से दिखाती हूँ। इसका डिजाइन बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है, और इसका दुपट्टा भी आपको सेम इसी तरीके का मिल जाएगा। डिजाइन और कलर बड़ा ही प्यारा लग रहा है, लाइट ग्रीन एंड पिंक का कॉम्बिनेशन आपको इसके अंदर मिल जाता है। और नेक्स्ट वाला भी आपको ये रेड कलर में ही मिल जाएगा। ये देखिए, काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं इस तरीके से। अगर आप भी अपने घर में भगवान जी को कपड़े बदल बदल के पहनाते हैं, तो मंदिर है और भगवान जी बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं, और ये आपको इसका दुपट्टा मिल जाता है। और नेक्स्ट वाला भी आपको सेम ये ऑरेंज कलर का मिल जाएगा, और इसका ये दुपट्टा मिल जाता है। तो मेरे पास ज्यादातर ये पिंक और रेड कलर के ही है। ये देखिए, ये भी आपको पिंक कलर का मिल जाएगा, ये वाला इसका दुपट्टा मिल जाता है। और एक ये है जो ये आपको फूल शंकर जी के लिए मिल जाता है, तो ये भी मुझे काफी अच्छा लगा था शॉप पर, तो मैंने इसको। तो इस तरीके के आप भी ऑनलाइन भी आप बाय कर सकते हैं, और अगर आपके यहाँ पे लोकल मार्केट जो भी होगी, आपको वहाँ पे जहाँ पे भगवान जी का सारा सामान मिलता हो, तो उन शॉपों पे आपको इस तरीके के जो लहंगे होंगे वो इजी मिल। और इस बॉक्स के अंदर मैंने सभी की माला वगैरह रखी हुई है, जब भी मुझे चेंज करनी होती है तो मैं काफी इजली इसी के अंदर से निकाल के पहना देती हूँ। तो मैं सबसे पहले अभी आपको ये वाली दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने अभी नई ली है, क्योंकि मैं सभी ही भगवान जी की जैसे नवरात्रे हैं तो मैं चेंज करने वाली हूँ। तो ये देखिए, इसका डिजाइन काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। इस वाले बॉक्स में मैंने सभी ही मालाएं रखी हुई है, ये इसलिए ही आपको कहीं पे किसी भी जो शॉप होती है भगवान जी की, उनपे आपको मिल जाती है। तो ऐसे अलग अलग डिजाइन की मेरे पास ये मालाएं हैं जो काफी ज्यादा अच्छी लगती है। और एक ये शिव जी जी के लिए है रुद्राक्ष की माला, ये माला मेरी इसी के अंदर ही मैंने इनको रखा हुआ है। देखिए, काफी अच्छे से एक ही जगह पे हम सारा सामान इसके अंदर रख देते हैं, और जो भी हमें चाहिए होता है तो काफी इजली हम उनको यूज कर सकते हैं। और इस वाले बॉक्स के अंदर मैंने सारे जो फैब्रिक होते हैं जो मंदिर के अंदर चेंज करना होता है, तो ये देखिए, ये वाले फैब्रिक में मंदिर के अंदर चेंज कर देती हूँ। और ये थोड़ी बहुत चुन्नियाँ हैं, जो पुरानी चुन्नियाँ हो चुकी थी उनको मैंने अभी फिलहाल निकाल दिया है। ये थोड़ी बहुत ही चुन्नियाँ है, बाकी अभी मुझे नई चुन्नियाँ लेकर आनी है। ये देखिए, ये छोटी छोटी सी चुन्नियाँ बड़ी ही प्यारी लगती हैं, क्योंकि मेरी मूर्तियाँ जो हैं वो थोड़ी छोटी ही साइज की हैं, तो उनपे अगर हम इस तरीके के दुपट्टे लगाते हैं, चुन्नियाँ लगाते हैं, तो काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। और ये देखिए, ये एक छोटे से बॉक्स के अंदर मैंने इसके अंदर माता रानी का श्रृंगार रखा हुआ है। ये देखिए, क्लोजअप से आप देख सकते हैं। तो चलिए, आप जल्दी से ही मैं मंदिर के अंदर सभी भगवान जी को स्थापित कर देती हूँ, और पहले श्रृंगार करती हूँ। तो ये देखिए, ये है मेरी माता रानी जी, तो मैं आज इनका श्रृंगार करूंगी, क्योंकि नवरात्रि आने वाले हैं, तो अच्छे से मुझे माता रानी को तैयार करना है। तो यहाँ पे मैंने उनको एक नए वस्त्र पहना रही हूँ जो मैं उनके लिए लेकर आई थी। ये देखिए, बहुत ही सुंदर लग रहा था पहनाने के बाद। और यहाँ पर ये छोटे छोटे से कड़े हैं जो मैं उनके हाथों में पहना दूंगी।
ये भी आपको कहीं पर भी लोकल मार्केट में आपके मिल जाएंगे। अगर आप ऑनलाइन भी लेना चाहते हैं आपको को ऑनलाइन भी ये सभी सामान इजीली मिल जाएगा। और ये माला है, माला भी काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी तो माला भी मैंने अभी चेंज करी है। जो पुराना सामान था वो सारा मैंने अभी उतार के उनको वॉश करके रख दिया है। और ये माता रानी की चुन्नी है तो चुन्नी के ऊपर पहनाया मैंने माला, तो ज्यादा अच्छी लग रही थी। और ये अब मैं इनको मुकुट पहनाऊंगी। ये देखिए मुकुट का डिजाइन भी काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था, तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है माता रानी। तो चलिए अब हम इनको मंदिर में अपने स्थापित करते हैं। तो एक छोटी सी मैंने चौकी ले ली है तो इसके ऊपर ही मैं माता रानी को बिठाऊंगी। ये देखिए ये राम जी दरबार है और यहाँ पर ये भोले शंकर जी रखेंगे। यहाँ पे मैंने हनुमान जी को रखा है, तो सभी ही भगवानों को मैंने अपने मंदिर में स्थापित कर लिया था। तो ये देखिए लगने के बाद, डेकोरेशन के बाद इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था मंदिर, सच में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और ये भी आपको लोटस वाली हैंगिंग मिल जाती है तो इनको भी मैं मंदिर में लगा दूंगी। तो अब जो मंदिर की डोर थी तो बाकी मंदिर का सामान भी रखना था, तो यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक का बॉक्स लिया है और इसके अंदर ही मैंने सारी अगरबत्तियाँ रख दी ताकि जब भी हम पूजा करें हमें एक साथ ही मिल जाए। और इस वाले प्लास्टिक के बॉक्स में मैंने सारी ही धूप बत्तियाँ रख दी हैं। ये देखिए कौन वाली भी रख दी, तो दोनों तरीके की धूप बत्तियाँ रख दी हैं मैंने मंदिर में। अगर हम ऐसी रखते हैं तो मंदिर में सब ये एक ही जगह इधर से उधर होती रहती है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने ये तीन ग्लास जार लिए थे जिसके अंदर मैंने कपूर, लौंग और साबुत चावल रखे हैं क्योंकि नवरात्रों में ये तीनों ही चीज़ें काम आती हैं। और ये मैंने एक ग्लास के जार में ही लोबन रखा है, तो ये भी हम जब अपने घर के अंदर जलाते हैं तो इससे नेगेटिविटी दूर होती है। और ये एक प्लास्टिक की टोकरी में मैंने बातियाँ रखी थी, कलावा रखा था। ये देखिए इस बाती के जो बॉक्स था इसको भी मैंने मीशो से ही लिया था, ये आपको ऑफलाइन भी मिल जाएगा वैसे तो। और ये माता रानी के लिए मैं 5 बर्तन लेकर आई थी नए, तो इस तरीके से एक ये आपको छोटी सी प्लेट मिल जाती है और इसके साथ आपको 2 कटोरी, 1 ग्लास और 1 चम्मच मिल जाता है। आप तांबे के भी ले सकते हैं, मेरे पास पहले तांबे के ही थे लेकिन इस बार मैंने स्टील वाले लिए हैं तो मुझे देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे क्योंकि जब हम नवरात्र में माता रानी को भोग लगाएंगे तो उसके लिए मैंने ये लिए हैं। तो चलिए अब ड्रॉर में हम अपना सारा सामान रख देते हैं ताकि हम जब नवरात्र में पूजा करेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा, इस तरीके से सारा सामान ईजी हमें मिल जाएगा अपने मंदिर में। ये देखिए तो ऑर्गेनाइज करके अगर हम कोई भी चीज़ रखते हैं, चाहे आप अपनी अलमीरा हो, मंदिर हो, कोई भी हो, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए इस टोकरी वाली प्लास्टिक की टोकरी में मैंने मैच बॉक्स और थोड़े से टिश्यू पेपर रखे हैं क्योंकि टिश्यू पेपर भी बहुत ज़रूरत होती है। और यहाँ पे मैं अपने सारे प्लास्टिक वाले बॉक्सेस रख दूँगी जिनपे माता रानी के वस्त्र होंगे, मंदिर के कपड़े होंगे, श्रृंगार होगा और इसके अंदर मैंने जो हमारे पूजा पाठ के लिए सारी किताबें होती हैं, देसी घी है, तेल है, सारा ही सामान जो एक्स्ट्रा वगैरह होगा वो मैंने सब इसके अंदर रख दिया है। तो चलिए ये देखिए फाइनल लुक।